I am a teacher of Superior Model School and Nikra Academy, and I delivering my lecture of mathematics of class 6. This is my lecture number 20, and today date is 27th May 2021. Now open your books, page number 19, unit number 2, which is whole numbers. हम whole numbers कर रहे हैं, ठीक है? और 2.1, 2.2 exercises हमने इससे पहले कर ली हैं. आप देखें 2.3, page number 19. Look at here. यहाँ पर हमारे पास two laws हैं. पहले हमने 2.2 में हमने किया था commutative law of addition, ठीक है? और subtraction किया था. और associative law over addition and subtraction. यहाँ पर अब क्या है? कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने सिर्फ प्रोडक्ट यानी 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, 106 को 13 से एंड 59 को 127 से. आज हम 2.3 एक्सरसाइज पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. वेरीफाई दी कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन. यानी कम्यूटेटिव लॉ मैंने बताया था कि जहाँ पर हमारे पास टू डिजिट्स होते हैं वहाँ अप्लाई करते हैं. तो वेरीफिकेशन करना है मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि इससे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं. अब क्या है 3, 7, तो इसको हमने वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. तो क्या हो जाएगा, 3 × 7 विच इज़ इक्वल टू 7 × 3. जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन था सेम एज, बिल्कुल उसी तरह ये होगा. तो राइट डाउन करें क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 ऑन योर नीट कॉपीज. इसके ये 3 पार्ट्स हैं और ये हम कर रहे हैं. Now look at here. This is question number 2, part first, 3, 7. Now write down the solution. 3, 7 according to the commutative law under multiplication. तो हमारे पास क्या होता है, a cross b which is equal to b cross a. यानी a को b से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ही b को a से मल्टीप्लाई करने पे आएगा. यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी. ये हमारे पास लॉ है. अब हमारे पास टू डिजिट्स दिए हुए हैं इन्होंने. क्या है, 3 और 7. 3 × 7 इज इक्वल टू 7 × 3. तो 3 × 7 = 21 एंड 7 × 3 = 21. अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू वन अनदर. वी कैन राइट हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यानी 21 इज इक्वल टू 21, सो इट्स वेरीफाइड. ठीक है, ये हमने पार्ट फर्स्ट को जो है वेरीफाइड कर लिया. नाउ सेकेंड पार्ट है 4 और 5. ठीक है, 4 और 5. नाउ अप्लाइंग कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन. 4 × 5 इज इक्वल टू 5 × 4. तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20. बिल्कुल वही आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का. 4 × 5 इज इक्वल टू 20, 5 × 4 = 20. हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 20 × 20 एंड आल्सो इट्स वेरीफाइड. ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज 7, 8. नाउ राइट डाउन द सॉल्यूशन. 7, 8. नाउ अप्लाइंग कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन. 7 × 8 विच इज इक्वल टू 8 × 7. 7, 8 = 56 एंड 8, 7 = 56. हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 56 = 56 एंड हैंस इट्स वेरीफाइड. ठीक है, ये हमने थ्री पार्ट्स कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के. अगेन लुक एट योर बुक पेज नंबर 19. नाउ लुक एट हेयर, दिस इज योर बुक पेज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 3. नेम द प्रॉपर्टी शोन बाय ईच स्टेटमेंट. अब यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो कि हर स्टेटमेंट बता रही है. अब ये देखें 5 × 3 = 3 × 5. अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ये आप जो है ये लिखें, मैं बोर्ड पे करवाती हूँ और आप जो है यहाँ से लिखें अपनी नीट कॉपीज पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट. अब हमने सिर्फ और सिर्फ नेम बताने हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है. 5 × 3 विच इज़ इक्वल टू 3 × 5. अब ये देखें, यानी a × b इज इक्वल टू b × c. यानी ये क्या है, 2 डिजिट्स पर है, तो ये आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. बीच में दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे.
फिर सेकंड है 1 × 4 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यानी ए जो है कोई सा भी डिजिट है, अगर वो जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आंसर हमारा वो ही ए आएगा, ठीक है ना। कोई भी ये होल नंबर हो सकता है जिससे हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो आएगा, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 2+1 विच इज इक्वल टू 6 × 2+6 × 1, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी देखिए 3 डिजिट्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और एड भी हो रहे हैं, यानी 2 प्रॉपर्टीज एक में यूज हो रहे हैं, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक हो गया। नंबर 4 देखें, 12 × 8 × 3 = 12 × 8 × 3, यानी ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे, तो इसमें क्या है 3 डिजिट्स आ रहे हैं, दैट इज़ आल्सो अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो रही है सो इट इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये देखें हर एक एंड में मैंने ये फिनिशिंग लाइन लगाई है, ये लगाई हुई, ये आप भी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ईच सम और प्रोडक्ट मेंटली। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने सम अप करना है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। यानी इन्होंने कहा सम और प्रोडक्ट, जहाँ पर एडिशन हो रहा है, सम मीन्स एडिशन, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन, तो वो हमने इन सारे पार्ट्स पे अप्लाई करना है। इसमें क्या है 17 + 5 + 33, ये एडिशन हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या है 15 × 0 × 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, देन 5 + 18 + 15 + 2, इधर जो है एडिशन हो रहा है। कल ये क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह करेंगे, आज आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है नीट अपनी कॉपीज़ पर करें, देन आई विल बी चेक इंशाल्लाह। थैंक यू।